Hello students, we are going to start with new topics, control and coordination. ये topic है bio का, है ना, class 10th. ये topic bio का है, control and coordination. देखो आप लोग सभी जानते हैं कि all the living organism, such as plant and animals, respond and react to change in the environment around of them. It means एक word आता है stimuli. एक्चुअली जो आप चेंज एनवायरमेंट में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं उस वर्ड को हम क्या कह रहे हैं, स्टिमुलाई. क्लियर? द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई. एक्चुअली आपकी बॉडी जब भी कोई आपको कोई चेंजमेंट दिखाई देता है तो आपकी बॉडी उसके प्रति क्या करती है, रिएक्ट करती है ना, या रेस्पॉन्स करती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको कोई चाटा मार देता है तो आप क्या करते हैं, या तो अपनी बॉडी को बचने के लिए पीछे हटते हैं, है ना, और या अगर आपके आपसे छोटा हो तो आप क्या करते हैं, उसको वापस उतने ही एनर्जेटिक चाटा मारते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि आपने वो क्या किया, आपने उसको रेस्पॉन्स हो किया या आपने अपने आप से रिएक्ट किया उसको. क्लियर? और इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टिमुलाई कह रहे हैं. मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है? आपकी जो भी रेस्पॉन्स आप शो करते हैं अपनी बॉडी में कोई ना कोई मूवमेंट के थ्रू शो करते हैं. क्लियर? तो जो मूवमेंट आप कर रहे हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है. मेरी बात समझ आई? अब एनिमल अगर शो करते हैं, मतलब स्टिमुलस शो करते हैं, तो कैसे होगा? मान लीजिए कोई यूटेंसिल्स है या कोई बर्तन है, आपने उसको बहुत ज़्यादा हॉट है वो बर्तन, और आपने उसको अचानक हाथ लगा दिया तो क्या होगा, आप तुरंत उस हाथ को क्या करेंगे, हटाएंगे, है ना. ये आपके पास क्या, आपने क्या किया, उस पर रेस्पॉन्स किया आपने उसको, है ना, यानी रिएक्ट शो किया हॉटनेस के प्रति. तो ये अगर इसी तरह से प्लांट है तो प्लांट तो इस तरह का मूवमेंट शो नहीं कर सकता कि यूटेंसिल्स पे हैंड लग गया है तो आप उसको बैक करेंगे हैंड को और प्लांट उसमें मूवमेंट रिएक्ट शो करेगा. नहीं, प्लांट कैसे करता है, प्लांट उसमें मूवमेंट दिखाता है किसी लाइट के अकॉर्डिंग या किसी सॉइल में जब रूट्स ग्रो करती हैं तो उसमें भी वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, यानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग शो कर रहा है ना. डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल रिएक्ट करते हैं या रेस्पॉन्स करते हैं किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति. क्लियर? और इसी को हम कहते हैं रेस्पॉन्स करना, है ना, किसी रिएक्शन इज रेस्पॉन्स कहते हैं इसे, इस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को. अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे होता है. प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन समझते हैं. कोऑर्डिनेशन होता क्या है, द वर्किंग टूगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. अभी हमने स्टिमुलस के बारे में तो बात पकड़ ली है कि स्टिमुलस होता क्या है ना. अब कोऑर्डिनेशन क्या है कि जब आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक सिस्टमेटिक मैनर्स होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर तरीके से वो वर्क करते हैं, एक के बीच में दूसरा टांग नहीं अड़ाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करना कहते हैं, है ना. क्लास में आपके जब टीचर्स एंटर होती हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन होता है कि फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का है तो इंग्लिश वाली टीचर ही आ रही, बीच में आकर मैथ्स वाली इंटरफेयर नहीं करेंगी, है ना. इसी तरह से मैथ्स का पीरियड तो मैथ्स वाली पढ़ाएंगी, हिंदी वाली इंटरफेयर नहीं करेंगी. तो एक कोऑर्डिनेशन होता है. इसी प्रकार से आपकी स्टडी में भी कोऑर्डिनेशन है. फर्स्ट में आप सबसे पहले कौन सी क्लास में जाते हैं, एलकेजी में, फिर यूकेजी में, और देन अगेन अगेन बढ़ते चले जाते हैं और एक स्टेप बाय स्टेप आपका क्या होता चला जाता है, स्टडी प्रॉपर होती चली जाती है. तो वो कोऑर्डिनेशन हो गया. समझ आए कोऑर्डिनेशन क्या है? तो आपकी बॉडी में अपने इस चैप्टर से पहले क्या पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस, और उसमें हमने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े थे, है ना, डाइजेस्ट सिस्टम, क्या कहते हैं आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सिटरी सिस्टम एक्सेट्रा. तो ये उन सब में एक कोऑर्डिनेशन, उनके पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो है पर्टिकुलर वर्क करते हैं, तो वो एक कोऑर्डिनेशन है. सेम एज इट इज ही हम दूसरी डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं कि द एबिलिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी प्रॉपरली,
यानी ऐसी मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है, ऐसी एबिलिटी है जो कंट्रोल करती है मूवमेंट पर, जो आपकी बॉडी के मूवमेंट से उन पर कंट्रोल करती है किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट में अब यहाँ पर मैंने कहा है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर, लेकिन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें कोई पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो उसमें दो ऐसी चीजें हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, वो क्या है, दो तरीके क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के एनिमल्स में, वो है आपके एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा क्या होता है नर्वस सिस्टम। अब प्लांट्स में दोनों ही सिस्टम नहीं होते, तो एंडोक्राइन सिस्टम तो नहीं है लेकिन हार्मोन्स तो है। तो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तो शो करता है ये मूवमेंट, क्लियर, मूवमेंट किसके प्रति शो करेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूवमेंट शो करता है, चाहे वो अर्थ के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो सनलाइट के अकॉर्डिंग हो, या किसी केमिकल के अकॉर्डिंग हो, वो वन बाय वन हम अभी स्टडी करते हैं, है ना, क्या मूवमेंट है। और दूसरा इसमें क्या होता है हार्मोन्स, हार्मोन्स ये दो चीजें हैं जो प्लांट्स में क्या करती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है, समझ आया। यानी हम कह सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन, मेरी बात समझ आई। तो हार्मोन्स की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी, द फंक्शंस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन, मतलब जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कर रहे हैं इन प्लांट के अंदर, वो केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो प्लांट में कर रहे हैं यानी हार्मोन्स, उनकी स्टडी करते हैं कि हार्मोन्स किस किस टाइप के होते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो फोर टाइप्स के हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम ABA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, है ना। तो जनरली जो हार्मोन्स हैं यानी प्लांट हार्मोन्स हैं, उनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। एक्चुअली आपके जो एग्जाम है उसमें किसी भी नाम से आपसे पूछा सकता है कि फाइटो हार्मोन्स को डिस्क्राइब कीजिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फाइटो हार्मोन्स तो हमने पढ़े ही नहीं, जबकि उनको प्लांट हार्मोन ही कहा जाता है। अगर प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस के बारे में आते हैं तो भी आपको प्लांट हार्मोन ही लिखना है। तो इस तरह से आपको तीनों नाम से किसी भी नाम से बोला जाए ये आपको बताना है, क्लियर, यानी चार बताने आपको, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब जो प्लांट जो ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं उनकी जो स्टेजेस होती है, यानी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट कैन बी प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, इसका अदर नेम मैंने भी तुम्हें बताया। तो इस जो प्लांट की ग्रोथ है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, इन तीन स्टेजेस पर डिपेंड करती है, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, इन तीन पर डिपेंड करती है किस प्रकार से ये हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को आगे की ओर ले जाते हैं, यानी उसकी ग्रोथ पूरी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो किस एक एक हार्मोन्स को हम लेकर उसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हार्मोन हमारा कौन सा है, ऑक्सिन। तो सबसे पहले हम ऑक्सिन की बात करते हैं, क्लियर। ऑक्सिन का काम अगर आपको ध्यान हो, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, ऑक्सिन प्लांट्स की जो बर्ड्स होती हैं, स्टेम होती है, रूट्स होती हैं, उनकी टिप्स पर पाया जाता है। ये मेरिस्टेमेटिक, अगर तुम्हें ध्यान है थोड़ा बहुत भी, तो ये मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, टिप्स पर, ताकि वो क्या करे, सेल की ग्रोथ को एनलार्ज कर सके, यानी सेल एनलार्जमेंट में हेल्प कर सके। सबसे पहले हम ऑक्सिन के फंक्शंस देखते हैं। पहला हार्मोन हमारा कौन सा है, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, कि ये इसका क्या है। तो ये क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करता है। तो दे प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, क्लियर। सेकेंड फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, कि ये डिविजन ऑफ सेल्स, दे हेल्प
division of cells and root formation. इसमें हेल्प करता है. मेरी बात समझ आ गई कि ऑक्सीजन का फर्क क्या है? क्योंकि बिकॉज ये सेल एनलार्जमेंट में इसलिए हेल्प कर रहा है बिकॉज दे प्रेजेंट टिप ऑफ द प्लांट. यानी जो बर्ड्स, अभी मैंने बताया था, बर्ड्स स्टेम्स रूट्स इनकी टिप पर प्रेजेंट है, इस सेल को एनलार्ज करता रहता है, ये लगातार ग्रोथ करता रहता है उसकी. मेरी बात क्लियर होगी ऑक्सीजन हार्मोन के उसमें कि हार्मोन्स क्या है. एक और बात मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है आर अप्लाइड टू एग्रीकल्चर. सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड होता है ना, उस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, जो फ्लावर्स वगैरह की जो खेती होती है ना, उसमें भी इसको यूज किया जाता है. क्योंकि फटाफट क्या कर देता है, सेल को एनलार्ज कर देता है या डिविजन ऑफ सेल्स कर देता है. जैसे सेल डिवाइड होंगी तो क्या होता है, ग्रोथ जल्दी जल्दी इंक्रीज होती चल जाती है. मेरी बात समझ आ गई होगी. सेकेंड हार्मोन कौन सा है हमारा, जिब्रेलिन्स. तो इसके, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है. ये क्या करता है, दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी. अभी मैं बताती हूँ क्या होता है डोरमेंसी इन सीड. सीड आप सब जानते हैं, सीड्स एंड बर्ड्स. क्लियर हुआ ये कि दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स. देखिए दे हेल्प इन ब्रेकिंग, मैंने बोला कि डोरमेंसी पीरियड सीड्स का, सीड वो पीरियड, सीड का डोरमेंसी पीरियड वो पीरियड होता है जब सीड्स ग्रो नहीं हो रहा होता और अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर वैसे ही पड़ा रहता है. कब तक पड़ा रहता है, जब तक कि उसे उसके अकॉर्डिंग सारे की सारी कंडीशंस नहीं मिल जाती. मेरी बात समझ आई, उसके अकॉर्डिंग का मतलब कि उसकी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इस जितना इसको वाटर चाहिए उतना वाटर, सनलाइट इसको मिलने चाहिए, न्यूट्रिशंस इसको मिलना चाहिए, तब जाके इसका डोरमेंसी पीरियड ब्रेक डाउन हो जाता है और इसमें से क्या निकल आती है, उसमें से पौधा निकल आता है, पेड़ जर्मिनेट हो जाता है. समझ आया डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, कि उसका वो पीरियड को का समाप्त होना, जिस पीरियड में वो क्या कर रहा था, जर्मिनेट नहीं हो पा रहा था, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई यानी उसके अकॉर्डिंग उसको सारी कंडीशंस मिल गई, तो वो क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है और उसमें से एक पौधा बाहर निकल आता है. ये काम कौन कर रहा है, जिब्रेलिन्स करता है. और नेक्स्ट आता है हमारा साइटोकाइनिन, या तीसरा हमारा जो अब हार्मोन है उसका क्या फंक्शन हो सकता है, अब उसके बारे में देख लेते हैं. साइटोकाइनिन फर्स्ट, देखिए साइटोकाइनिन तीसरा हार्मोन है, तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है, प्रमोट करना, दे प्रमोट सेल डिवीजन. क्लियर हुआ ये बात, सेल डिवीजन का मीनिंग समझ आया, सेल का लगातार क्या करना, डिवाइड होते रहना, जिससे कि ग्रोथ प्रॉपर तरीके से बढ़ती चली जाए. तो इसका मतलब ये क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, कौन, साइटोकाइनिन. इसके अलावा इसका काम एक और होता है, ये सेकंड क्या था हमारा, दे डिले द एजिंग इन लीव्स. देखिए एजिंग इन लीव्स का मतलब होता है कि जब लीव्स क्या होती हैं, येलोइश होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं एजिंग इन लीव्स, यानी कि उनकी उम्र का बढ़ना, ऐसे समझ लीजिए आप. और डिले मतलब होता है कि डिले करना, यानी उम्र को वहीं के वहीं रोक देना. ये काम किसका होता है, साइटोकाइनिन का. मेरी बात क्लियर हुई है, इज दैट क्लियर, कि डिले मीन्स क्या होता है, उसको रोक देना, यानी एजिंग इन लीव्स, येलोइश कलर जो होना लग जाता है, यानी लीव्स येलो होकर फिर गिरना शुरू हो जाएंगी ना, उस चीज को ही रोक देता है कुछ टाइम तक है. ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी के लिए नहीं है, लेकिन रोक देता है. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, ये प्रमोट करता है, दे प्रमोट
ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्लोज होना और ओपन होना, ये दोनों ही बातें किस पर डिपेंड करती हैं, प्लांट हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। अब ये प्रमोट कर रहा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा का खुलना डिपेंड करता है हार्मोन्स पर। क्लियर, इसका फंक्शन है। और इसके अलावा लास्ट इसका फंक्शन है, दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। मेरे ख्याल से साइटोकाइनिन के फंक्शन आपको चारों समझ आ गए होंगे। दे प्रमोट सेल डिवीजन, दे डिले द एजिंग इन लीव्स, दे प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। क्लियर। अब यहां एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन चारों में से अब हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं एक बात और आपको बता दूं, वो बात क्या है कि जो एब्सिसिक एसिड होता है ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। समझ आया, फर्स्ट पॉइंट यही आपका कि एब्सिसिक एसिड इट इज अ इनहिबिटर, मीन्स ये समझ लीजिए कि ग्रोथ को रोकने वाला है ना, ये ग्रोथ को इंक्रीज नहीं करता है, इसलिए इसे ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है। समझ आई मेरी बात। सेकंड, ये प्रमोट करता है दे प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर साइटोकाइनिन ओपन कर रहा है स्टोमेटा को तो क्लोजिंग करने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। क्लियर हुआ। इसके अलावा ये क्या करता है, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। अब इसका काम क्या होता है, दे प्रमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग लीव्स। क्लियर हुआ, यानी कि ये इस बात में भी हेल्प करता है कि लीव्स का गिरना है ना, और जो मैंने भी बताया था येलोइश होना, ये सब किसके कारण होता है, एब्सिसिक एसिड के कारण। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा सा ध्यान दें है ना कि किस तरह से कौन कौन से हार्मोन क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं और क्या क्या नहीं। अभी मैंने आपसे कहा कि सिर्फ ओनली एब्सिसिक एसिड ही ग्रोथ इनहिबिटर होता है, बाकी तीनों का मैंने भी आपको बताया कि तीनों क्या करते हैं, ऑक्सिन जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है ना। ये तीनों ही क्या करते हैं, तीनों ही हार्मोन प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, इन तीनों को ग्रोथ हार्मोन्स कह रहे हैं हम, बाकी एब्सिसिक एसिड हमारा क्या कहलाता है, ग्रोथ इनहिबिटर कहलाता है। मेरे ख्याल से चारों के आपको फंक्शन समझ आ गए होंगे कि चारों के फंक्शन क्या क्या हैं। अभी हमने प्लांट हार्मोन्स की स्टडी करी, मैंने आपको पहले ही बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक प्लांट हार्मोन एक प्लांट मूवमेंट। प्लांट हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं, चार टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स मूवमेंट्स के बारे में। क्लियर, तो प्लांट्स मूवमेंट्स टू टाइप्स का होता है, ट्रॉपिज्म एंड नेस्टिंग। क्लियर, नेस्टिंग ट्रॉपिज्म जो होता है वो क्या होता है, रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिज्म मतलब क्या हुआ कि वो रेस्पॉन्स शो करना ऑर्गेनिज्म का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, या जो स्टिमुलस उसको मिल रहा है उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट यानी अवे फ्रॉम इट इज, तो कॉल क्या कहलाता है, ट्रॉपिज मूवमेंट कहलाता है। सेकंड आता है नेस्टिज मूवमेंट। नेस्टिज मूवमेंट में क्या हो जाएगा, द मूवमेंट ऑफ प्लांट नीदर टूवर्ड्स नॉर अवे, ना तो उसकी तरफ और ना ही उससे दूर, फ्रॉम स्टिमुलस से, तो वो क्या कहलाता है, नेस्टिक मूवमेंट। जबकि ट्रॉपिज्म मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ये कौन सा होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट।
क्लियर हुआ। और ये जो मूवमेंट होता है वो नॉन डायरेक्शन, इसका अपोजिट नॉन डायरेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट इज मूवमेंट जो होता है, अब इनके टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। ट्रॉपिज्म जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दोनों का वन बाय वन स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका टाइप होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, क्लियर। और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, तो ये किसके अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करता है, लाइट के अकॉर्डिंग, क्लियर। अभी हम दोबारा स्टडी करेंगे, मतलब इसके अभी इसके टाइप्स देखने के बाद फिर हम देखेंगे किस प्रकार से लाइट के प्रति अपना मूवमेंट शो करता है। सेकंड, फोटोट्रॉपिज्म के बाद सेकंड आता है जियोट्रॉपिज्म। नाम से पता चल गया होगा जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। जियो, जियो मीन्स क्या होता है, ग्रेविटी। क्लियर। थर्ड, जियोट्रॉपिज्म के बाद नेक्स्ट आता है कीमोट्रॉपिज्म। अब कीमो, कीमो मीन्स क्या होता है, केमिकल। अब आप कहेंगे केमिकल कहां से आ गया प्लांट्स में, तो केमिकल तो हर जगह है ना। नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट आता है थिग्मो, थिग्मो, थिग्मो का मीन्स क्या आता है, टच। थिग्मो मतलब होता है टच करना, क्लियर। ये आपके टाइप्स हैं, अब इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे किस प्रकार से ये अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे फोटोट्रॉपिज्म में फोटो लाइट है ना, और लाइट के अकॉर्डिंग ये अपना मूवमेंट कैसे शो करेंगे इसे देखते हैं। जियो, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कैसे शो करता है। कीमो कैसे शो करते हैं, तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट फोटोट्रॉपिज्म, अभी मैंने आपका बताया था फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। और यू नो कि प्लांट्स नीड सनलाइट, है ना, प्लांट्स को क्या जरूरत होती है, सनलाइट की। और सनलाइट जब उनको मिलती है तो वो रेस्पॉन्स शो करते हैं उस सनलाइट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पौधा ऐसे लगा हुआ है, चलिए ये कोई पौधा है, चलिए अब इस पौधे को सनलाइट किधर से मिल रही है, मान लीजिए इधर से सनलाइट आ रही है इसकी तरफ, और इस तरफ एक वॉल है, समझना मेरी बात, एक वॉल लगी हुई है और सनलाइट इस तरफ से इसके ऊपर गिर रही है, तो क्या ये पौधा इस तरह से सीधा ही ग्रोथ करेगा, नो। ये क्या हो जाता है, ये पौधा इस तरफ बैंड हो जाता है, यानी इसकी सिचुएशन ये हो जाती है, ये वाली। अगर सनलाइट इसको सीधा मिल रही है, यानी यहां से सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है, तो क्या होगा, ये पौधा सीधा ग्रो करता है। और अगर सनलाइट इस तरफ से आ रही है तो इसकी बैंडिंग ऐसे हो जाती है। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको ध्यान हो कि इस मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो टिप्स होती है उस पर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसमें ऑक्सिन हार्मोन और टिश्यू ऑक्सिन मेस्टमेटिक, मेस्टमेटिक टिश्यू होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं सेल एनलार्जमेंट के लिए, यानी सेल की ग्रोथ के लिए। तो यहां से जब इसको सनलाइट मिलती है तो ये क्या करते हैं, सेल को एनलार्ज करते हैं और ये ग्रोथ उसी अकॉर्डिंग बैंड होती चली जाती है। मेरी बात समझ आएगी फोटोट्रॉपिज्म के रिलेटेड, कि फोटोट्रॉपिज्म में किस तरह से ये मूवमेंट शो कर रहा है, हमेशा सनलाइट की तरफ प्लांट्स मूव करने लग जाते हैं। क्लियर। इफ द प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स द सनलाइट, अगर प्लांट सनलाइट की तरफ ग्रोथ कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ध्यान रखना ये बात,
अगर प्लांट सन की तरफ ग्रो कर रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाता है, और अगर इसके अपोजिट ग्रो कर रहा है, अपोजिट जो कौन होती है, रूट, है ना। ये प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा सन के अपोजिट ग्रो करती हैं, इसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। मेरी बात क्लियर हो गई। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो कहाँ इंक्रीज होता है, स्टेम, स्टेम की जो टिप है वहां पर ये इंक्रीज होता है, यानी ग्रोथ ऑफ स्टेम ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही ग्रो करता है, क्लियर। लेकिन इसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिक्रीज किस में हो जाती है, रूट्स में, क्योंकि यहां पर ये अपोजिट है, सनलाइट के अपोजिट है। बात समझ आ गई, फोटोट्रॉपिज्म के तीनों पॉइंट समझ आ गए कि हमेशा ये सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा, पॉजिटिव होगा, और जो इसके अपोजिट ग्रो करता है वो नेगेटिव होता है, क्लियर। सेकंड क्या आता है, जियोट्रॉपिज्म, और जियो का मतलब मैंने क्या कहा था, ग्रेविटी, है ना। और ग्रेविटी क्या होती है, द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स ऑल द थिंग्स टूवर्ड्स, मतलब यानी अर्थ जो है अपनी और सब चीजों को खींच लेती है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, ग्रेविटी कहलाती है। तो द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द अर्थ या टूवर्ड्स द ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, यानी प्लांट की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसको किसकी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएगा, जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। मेरी बात समझ आई। इस अब तुम्हें ये बात पता है कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कौन खींचता है, वो कौन होती है, मूवमेंट्स ऑफ प्लांट रूट्स, प्लांट रूट्स टूवर्ड्स द अर्थ, बट स्टेम्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी जो रूट्स है वो कहाँ जाएंगी, टूवर्ड्स द अर्थ या अर्थ की तरफ जाएंगी, और स्टेम जो होता है अर्थ के अपोजिट यानी कि सनलाइट की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जियोट्रॉपिज्म जो होगी नेगेटिव किस में होगा, स्टेम में, स्टेम में ये नेगेटिव शो करता है, जबकि रूट्स में ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव। समझ आया जियोट्रॉपिज्म के बारे में। अब हम इसे एक तरह से स्टडी करके देख लेते हैं कि इसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो करते हैं। हम क्या करें, एक प्लांट लिया और उसे हमने एक ग्लास, मतलब जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें रख दिया, दिस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये हमारा क्या है, ये प्लांट, इसको हम स्टेम कहेंगे, और दिस इज ए रूट्स। इस प्लांट को हम देखेंगे तो हम, आप क्या इसमें फाइंड कर रहे हो, आप देख रहे हो कि जो स्टेम है वो किधर है, अपर, किससे, फ्रॉम द, जो ये आपका इसको सॉइल मान लीजिए आप, है ना, अर्थ, समझ आया, ये अवे फ्रॉम द अर्थ का जा, स्टेम जो है अपर है, और जबकि रूट जो है आपकी डाउनवर्ड है ना। अब इसको क्या करो, आप टिल्ट कर दीजिए थोड़ा सा, इसकी पोजीशन जो है टिल्ट कर दीजिए, यानी सेकंड पोजीशन में आप इसको इस तरह से कर दीजिए हॉरिजॉन्टली, ये आपका वो हो गया और ये आपका प्लांट है, समझ रहे हो, और ये आपकी रूट्स थी, फ्यू डेज इसको इसी तरह से छोड़ दें। ये देखिए अर्थ के, ये अर्थ है आपकी, इसके पैरेलल पे चला गया, दोनों पैरेलल हो गए, प्लांट्स भी और ये भी। अब आप फ्यू डेज बाद, जब आपने इसको टिल्ट करने के बाद जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या फाइंड आउट करते हैं, आप देखेंगे कि इसकी जो रूट्स हैं वो, यानी थर्ड पोजिशन आपकी क्या होगी, देखिए थर्ड पोजिशन आपकी क्या होगी, मैं इसको रफ कर रही हूं यहां से, और इसके बाद वाली जो पोजिशन है वो आप क्या देखेंगे, ये आपका वो है ट्रांसपेरेंट जार था, ये आपका पौधा है, आप देखते हैं कि जो रूट्स वाली पोजीशन थी वो पोजीशन कहाँ हो जाती है, वो डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द अर्थ, यानी कि यहां से आपकी जो ये है ये इस तरह से डाउनवर्ड चली जाती है, और जो आपका स्टेम था वो कहाँ चला जाता है, वो अपर टूवर्ड द सनलाइट, यानी इस तरफ आ जाता है।
मेरी बात समझ आ गई? यानी कि जियोटॉपिस में जो रूट्स हैं वो क्या शो कर रही हैं? पॉजिटिव। और ये क्या शो कर रहे हैं, यानी स्टेम जो है आपका वो क्या शो कर रहा है? नेगेटिव। समझ आए किस प्रकार से जियोटॉपिज्म हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं? नेक्स्ट थर्ड कीमोटॉपिज्म। कीमो, मैंने भी बताया था कीमो का मीन्स क्या होता है, केमिकल, है ना। तो इसमें जो प्लांट ग्रोथ होती है, प्लांट ग्रोथ किसके कारण होती है? ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड कीमोटॉपिज्म। इसका एग्जाम्पल आपने सबसे पहले कहां देखा होगा? फ्लावर्स में। अगर मैं आपको बात करूं कीमोटॉपिज्म का एग्जाम्पल आपने कहां देखा है? फ्लावर्स में। फ्लावर्स में कैसे? अगर फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको ध्यान हो तो उसमें, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ये, देखिए ये आपको ध्यान है, ये स्टिग्मा होता है ना, ये होती है स्टाइल, क्लियर। और नीचे क्या होती है? ओवरी। यहां से ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन। और इसे क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब। ये होती है ओवरी, क्लियर। ये क्या है? ओव्यूल। और ये पॉलन जो ट्यूब है ये इसमें से एंटर करती है, क्लियर। और यहां पर ये क्या है? मेल। आप इसे मेल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं क्योंकि पॉलन गैस जो होता है वो मेल गैमिट है ना। और ये इस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या करता है? एक्चुअली जब स्टिग्मा होता है इस, ये पूरा क्या है? ये है कार्पल। कार्पल इट मीन्स कि फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, है ना, मेल एंड फीमेल। समझ आया मेरी बात? तो ये फीमेल पार्ट है और जो पॉलन ग्रेन्स है वो मेल पार्ट है। तो इसका जो मेल पार्ट है वो कहाँ जाता है? ओव्यूल में जाता है। और ओव्यूल में जाकर क्या हो जाता है? फर्टिलाइज। ये कब होता है? जब राइप स्टिग्मा, यानी जो पक्की हुई स्टिग्मा हो जाती है, मतलब मैच्योर हो जाती है, उस समय ये जो राइप स्टिग्मा है वो क्या करता है? एक केमिकली सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, सिक्रेट मतलब रिलीज करता है, जिसके कारण जितने भी वो होते हैं शुगरी सब्सटेंस के, यानी चिपचिपा जो पदार्थ है आपका, शुगरी सब्सटेंस कह रहे हैं उसे, ये स्टाइल के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ तक पहुँच जाता है, जिसके कारण जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इस पर आकर क्या हो जाते हैं? पेस्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और आसानी से इसमें से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? ओव्यूल में पहुंच जाते हैं। और ये वाला जो आपका है इसे कहते हैं फीमेल न्यूक्लियस। ये फीमेल न्यूक्लियस है। फिर जब ये मेल और फीमेल दोनों आकर क्या हो जाते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं, क्लियर। तो इसका कारण क्या है? कीमोटॉपिज्म। मेरी बात समझ आ गई होगी किस तरह से फ्लावर में ये बढ़ते हैं, क्योंकि जो राइप स्टिग्मा है वो क्या कर देता है? एक चिपचिपा पदार्थ, यानी सिक्रेट कर देता है केमिकली सब्सटेंस, इसे हम शुगरी सब्सटेंस भी कहते हैं। और ये इन्वॉल्व होता है स्टाइल की तरफ, ताकि जो आपका पॉलन गैंस है वो इस स्टिमुलस यानी इस केमिकल सब्सटेंस को क्या करे? अटैच करे अपनी तरफ, अटैक करे,
और पॉलन ट्यूब में से होता हुआ कहाँ पहुंच जाए, ओव्यूल की तरफ, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। क्लियर। फोर्थ हमारा है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स मैं बता चुकी हूँ पहले, क्या होता है वाटर, है ना, यानी कि प्लांट का पार्ट, कोई भी पार्ट जो वाटर की तरफ मूवमेंट करेगा, मूवमेंट शो करेगा, वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पता क्या होना चाहिए, पता है आपको कि रूट्स जो होते हैं, है ना, रूट्स टू वर्ड्स किसकी तरफ, वाटर की तरफ, रूट्स टू वर्ड्स वाटर, पता है ना आपको कि हमेशा रूट वाटर की तरफ ही क्या करती है, मूवमेंट शो करती है, है ना। अब इसको शो करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम क्या करें, अर्थ में डीपली थोड़ा सा ग्रो कर उसको सीडलिंग कर लेते हैं, है ना। यहाँ हम एक पौधा लेते हैं और इसको डीपली मतलब सीडलिंग करते हैं, इसकी सीडलिंग के थ्रू क्या करते हैं, आपको पता है स्टेम कहाँ आएगा, टूवर्ड्स द सनलाइट एंड रूट्स टूवर्ड द मॉइस्ट सॉइल, दिस इज ए मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल मतलब जिसमें थोड़ा बहुत पानी, नमी होती है, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वो ले लीजिए, कोई यूटेंसिल्स ले लीजिए या गमला लीजिए, और गमला आप इसके पास, इस पेड़ के पास, पौधे के पास यहाँ पर लगा दीजिए और इसको पानी से भरकर रख दीजिए। फ्यू डेज बाद आप क्या देखते हैं कि इसकी जो रूट्स है वो टूवर्ड्स द पोर्ट, इसकी तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है। समझ आया, इसका मतलब कि रूट्स हमेशा क्या करती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं, जबकि स्टेम जो होता है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है। क्लियर हुआ हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है। नेक्स्ट फिफ्थ आता है हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मीन्स मैंने क्या बताया था आपको, टच, यानी टचिंग के थ्रू क्या करना, ग्रो करना। अब यहां पर एक वर्ड आता है क्लाइंबिंग प्लांट्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स मतलब क्लाइंब कर, चढ़ना, किसी के ऊपर चढ़कर ग्रो करना। एक्चुअली जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं दे हैव अ वीक स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है ना बहुत वीक होती है, सो दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन देयर ओन, वो अपने आप क्या नहीं कर पाते हैं, अपराइट यानी स्टैंड नहीं कर पाते, खड़े नहीं रह पाते हैं। क्लियर। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है क्लाइंबिंग प्लांट्स। और इनमें क्लाइंबिंग ऑर्गन्स होता है जिन्हें हम कहते हैं टेंड्रिल्स। क्लियर है मेरी बात, कि क्लाइंबिंग प्लांट्स में टेंड्रिल्स पाई जाती हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। अब टेंड्रिल्स क्या होती हैं, दे आर द थिन थ्रेड लाइक ग्रोथ। टेंड्रिल्स का मीनिंग क्या हुआ कि ये पतली सी, थ्रेड मतलब धागा जिसे कहते हैं, इतना पतला होता है, थ्रेड लाइक ग्रोथ ऑन द स्टेम्स और लीव्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स, यानी प्लांट्स के ऊपर चढ़ने के लिए इसमें जो ग्रोथ आती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये टू टाइप्स के होते हैं, स्टेम टेंडल्स और लीव टेंडल्स, यानी स्टेम भी टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाता है या लीव भी टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि टेंडल्स जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब टच में आते हैं तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि क्या कर जाते हैं, उसके ऊपर क्लाइम हो जाते हैं, यानी नियर बाय कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बैम्बू हुआ या कोई सॉलिड प्लांट हुआ, है ना, उसके ऊपर ये क्या कर जाते हैं, क्लाइम कर जाते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं ये। क्लियर मेरी बात समझ आ रही है। और ये पॉजिटिविटी शो करते हैं टचिंग के दौरान, यानी कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जब इसके नियर होता है तो ये उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, उसकी तरफ या उसकी तरफ क्या शो करेंगे, पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म शो करते हैं। क्लियर। और अगर उसके अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म हो जाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, यानी कि किस तरह से टेंडल्स ग्रो करते हैं वो देखते हैं। देखिए थिग्मोट्रॉपिज्म में इस तरह से ये वाला जो है स्टेम टेंडल शो कर रहा है और वो लीव टेंडल शो कर रहा है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कैसे हो जाती है, बिल्कुल धागे जैसे स्ट्रक्चर बनकर और इस पर ऐसे क्लाइम करते हुए ऊपर की ओर ग्रोथ करती है, बिकॉज दिस इज ए वीक स्टेम। क्लियर। सेम एज इट इज ए वीक स्टेम है वो, इसीलिए उसकी जो लीफ है वो क्या कर जाती है, वो पतले धागे में कन्वर्ट हो जाती है और किसी भी सपोर्ट की के टच में आकर क्या कर जाती है, उसके ऊपर
ऐसे ऐसे राउंड करते हुए ऊपर की ओर ग्रो कर जाती है। इसके एग्जाम्पल में से बॉटल गार्ड, बीटर गार्ड, ये आपने देखे भी हैं, लौकी की बेल देखी होगी, करेले की बेल देखी है, देखी है ना, कद्दू वगैरह की बेल, ये सब क्या है, ये टंडल की सहायता से ऊपर की ओर ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। यूजफुलनेस ऑफ टॉपिक मूवमेंट, एक्चुअली टॉपिक मूवमेंट का जो हमारा यूज है वो क्या है, मतलब क्या इसमें यूज शो कर रहा है टॉपिक मूवमेंट के थ्रू। तो फर्स्ट ये शो करता है कि प्लांट जो होता है वो सर्वाइव कर पाता है ऑल जगह पे, दे हेल्प द प्लांट, दे हेल्प द प्लांट्स टू सर्वाइव। क्या मतलब हुआ कि अगर प्लांट का कोई भी पार्ट मूवमेंट शो कर रहा है तो वो सर्वाइव कर पाता है। जैसे कि अभी हमने रूट्स की बात करी थी, रूट्स हमेशा किस तरफ ग्रो करता है, अर्थ की तरफ ग्रो करता है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है, तो यानी कि वो पॉजिटिविटी शो कर रहा है। इसी प्रकार से वाटर की तरफ ग्रो कर रहा है तो वो हाइड्रो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करता है। सेम एज इट इज, इस स्टेम की बात हमने करी, तो स्टेम क्या करता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। तो इस तरह से प्लांट का हर पार्ट, उसका हर पार्ट सर्वाइव कर पाता है किसके कारण, इस टॉपिक मूवमेंट के कारण। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नेस्टेस मोमेंट की। हमने मोमेंट में दो तरह के मोमेंट देखे थे, एक तो हमारा टॉपिक मोमेंट और दूसरा हमारा कौन सा है, नेस्टेस मोमेंट। क्लियर। नेस्टेस मोमेंट को हमने क्लासिफाई किया है थिग्मोनेस्टी एंड फोटोनेस्टी। थिग्मो आप बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, थिग्मो मतलब होता है टच, है ना। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हैं माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका, इसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं। टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है छुई मुई। छुई मुई यानी इन नाम से, माइमोसा प्यूडिका इज अ बॉटनिकल नेम, यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में इसका नाम जो होता है माइमोसा प्यूडिका होता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें टच मी नॉट एंड हिंदी में अगर हम बात करें छुई मुई, समझ आया। थिग्मोन, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, अगर आपने देखा भी होगा, अगर फिंगर से टच करते हैं हम इसकी लीफ को तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है ना, बिल्कुल ही मुरझा जाता है। क्लियर। और फोटोनेस्टी की तो बात हम पहले कर चुके हैं, फोटो मतलब होता है लाइट, यानी लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट शो कर रहा है, तो इसलिए से फोटोनेस्टी में बात करते हैं। थिग्मोनेस्टी किस तरह से बिहेव करता है, यानी माइमोसा प्यूडिका जो है किस तरह से बिहेव करता है सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। माइमोसा प्यूडिका अभी मैंने बताया इसका एग्जाम्पल है थिग्मोनेस्टी का, इसको थोड़ा समझिए क्या होता है। एक्चुअली जो माइमोसा प्यूडिका की स्ट्रक्चर होती है उसमें एक पैड लाइक स्वेलिंग होता है जिसे हम पुलविनी कहते हैं, और ये जितनी भी लीव्स होती हैं उनके बेस पर प्रेजेंट होता है, दिस इज ए पुलविनी फिल्म। क्लियर। अब जो इसमें इंटरनल वाटर प्रेशर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, पुलविनी के अंदर, यानी कि लीव का जो निचला बेस हिस्सा होता है उसे हम पुलविनी कह रहे हैं, है ना। और इसमें जो इंटरनल वाटर प्रेशर प्रेजेंट होता है जिसे हम टर्गर कह रहे हैं, यानी एक प्रकार की समझिए कि इस पुलविनी के कारण ये लीव जो होती है खिंची हुई रहती, तनी हुई रहती है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से वाटर फिल रहता है, है ना। तो द पुलविनी आर वेरी फ्रेम एंड होल्ड द लीव्स अबाउ देम अपराइट, और इसी कारण लीव्स से तनी हुई रहती, खिंची अपराइट रहती है, है ना, समझ आई मेरी बात। इस पुलविनी के अंदर बहुत सारे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन देयर सेल्स। क्लियर। इन सेल्स के बीच में बहुत सारे स्पेस प्रेजेंट रहते हैं, तो सो वेन प्लांट्स आर टच, जैसे फिंगर से आप प्लांट को टच करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेवलप हो जाते हैं, यानी जनरेट हो जाते हैं, और चूंकि इसमें कोई नर्व सेल्स तो प्रेजेंट होती नहीं है, है ना, तो इसलिए नर्व सेल्स न प्रेजेंट होने के कारण ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं वो किस पर एक्ट कर जाते हैं, प्लांट हार्मोन पर एक्ट कर जाते हैं। क्लियर। अब ये हार्मोन्स का काम क्या होता है, जैसे ये हार्मोन पर एक्ट करते हैं, हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन्स मेक द वाटर माइग्रेट, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, माइग्रेट कर, सॉरी वाटर जो होता है वो माइग्रेट हो जाता है कहाँ से, पुलविनी से, और कहाँ पहुँच जाता है, उन इंटरसेलुलर स्पेस में पहुँच जाता है जो इसमें ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट थे, समझ आया। और ये वन हाफ में पहुँच जाते हैं जिससे कि जिस हाफ, जैसे मान लीजिए यहाँ से
पानी हटेगा, हटेगा नीचे पहुंचेगा, तो ये हिस्सा क्या होगा, पानी की कमी के कारण श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होएगा तो हमें कैसा नजर आएगा, बिल्कुल मुरझा हुआ नजर आता है। मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही होगी किस तरह से पानी जो है वहां से अपनी जगह छोड़ता है और हमें कैसा नजर आता है, बिल्कुल श्रिंक नजर आता है। और इस तरह से जो माइमोसपोडिका है वो अपना क्या शो करता है, नेस्टिस मूवमेंट शो करता है। क्लियर। सेकेंड फोटो नेस्टिस का एग्जाम्पल है, मतलब टाइप है नेस्टिस मूवमेंट का। फोटो मतलब लाइट, तो द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं डैंडलियन, डैंडलियन फ्लावर जो एग्जाम्पल है, इसमें जिसका ओपनिंग एक्चुअली पेटल्स जो होते हैं फ्लावर के, जो पेटल्स हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हैं, वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पर डिपेंड करते हैं। मेरी बात समझ आई। एक्चुअली जब भी कभी लाइट किस अकॉर्डिंग है या सनलाइट किस तरफ पड़ रही है, तो मॉर्निंग में इन ब्राइट लाइट होती है, समझ आए, तो क्या हो जाएगा, पेटल्स ओपन हो जाते हैं यानी फ्लावर खिल जाता है। लेकिन जैसे नाइट आती है तो इसके जो पेटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इवनिंग में क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज उस समय डार्कनेस आ जाती है। तो डैंडलियन इसका नेस्टिंग मूवमेंट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो एग्जाम्पल मून फ्लावर, ये जस्ट अपोजिट है डैंडलियन का। मून फ्लावर जस्ट अपोजिट मैंने इसलिए कहा है बिकॉज दे क्लोज द पेटल्स ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि नाम ही देख लिए मून फ्लावर है, तो इसका जो पेटल्स होते हैं वो डे टाइम के दौरान क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही डे टाइम के दौरान बंद होंगे तो नेचुरल है कि जो डार्कनेस होगी उस समय क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, नाइट टाइम में इसके पेटल्स जो होते हैं वो खिल जाते हैं। क्लियर। इस तरह से हम समझ गए होंगे कि फोटोनेस्टी क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। क्लियर। अब लास्ट टॉपिक आपका प्लांट हार्मोन में क्या आता है, कि इसके जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनके क्या फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स में सबसे पहले हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, किसमें हेल्प करता है ये, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जिब्रेलिन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स की डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेकडाउन करना, यानी जर्मिनेट करना सीड्स को, समझ आया। सेकंड है ग्रोथ ऑफ स्टेम रूट्स, ये स्टेम्स और जो आपकी रूट्स होती हैं उनको भी क्या करता है, ग्रो करने का काम करता है। नेक्स्ट मूवमेंट्स ऑफ स्टोमेटा, मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा का क्या मतलब हुआ कि स्टोमेटा का ओपन होना और स्टोमेटा का बंद होना दोनों डिपेंड किस पे करते हैं, हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इसके इसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट राइपनिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फूड्स यानी फूड्स का पकना है ना, वो भी किस पर डिपेंड करता है, हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। क्लियर। उसके अलावा जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो भी किस पर डिपेंड कर रहे हैं, हार्मोन्स पे, जो भी हमने पढ़े कौन कौन से, फोटोट्रोपिज्म है ना, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, एक्सेट्रा, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं, हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। ओके।